एक सरपंच का शरेआम गोलियां मार के कतल कर दिता गया। कहा जा रहा है कि जो एक विआह समागम दे विच ए सरपंच शामिल होने के लिए जा रहा सी तां रास्ते दे विच ही पिंड तो बाहर निकलते सार हमलावरां ने इसनू घेर लिया अते इस दे उत्ते ताबड़तोड़ गोलियां चलाईयां ने, तां जिस दे कारण सरपंच दी मौके दे उत्ते ही मौत हो गई है। तां दस दईए कि इलाके दे विच वी जिथे सनसनी फैल गई है उत्थे पुलिस प्रशासन भी वड्डी गिणती दे विच मौके ते पहुंचिया ते मामले दी जांच शुरू कर दित्ती है। तां वड्डी खबर तुहानू दस रहे हां, एक पिंड दे सरपंच दा शरेआम गोलियां मार के कतल कर दिता गया। कहा जा रहा है कि जदों शाम नू पिंड दे विच एक विआह समागम च शामिल होण दे लई इह सरपंच अपनी गड्डी दे विच निकलिया तां रस्ते दे विच इसनू घेरा पा लिया जांदा हमलावरां दे वल्लों ते गोलियां मार के इसनू मौत दे घाट उतार दिता जाता है। तो दस दिए कि हिसार के पिंड कुवारी का यह सरपंच दसिया जा रहा है जिसका नाम संजय दून है। तो संजय दून का कतल कर दिता गया शरेआम गोलियां मार के। हालांकि पुरानी रंजिश इस दे पिछे दी वजह दसी जा रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि 9 साल पहला इसी पिंड दे सरपंच दे मुंडे दे इसी थां दे उत्ते गोलियां मारियां गईयां सी। 9 साल पहला यह सारा कांड होया सी ते उस तो बाद दे विच हुण एक बार फिर तो जो सरपंच है मौजूदा सरपंच सी संजय दून इसका भी गोलियां मार के कतल कर दिता गया। हालांकि जो 9 साल पहला सरपंच दे मुंडे दे गोलियां मारियां गईयां सी तां उस समय जो मौजूदा सरपंच जिसका बीते दिन कतल होया संजय दून इन्हां दे परिवारक मैंबरां दे उत्ते मामला दर्ज किया गया सी। एक पासे हुण इह वी कड़ी नूं पुलिस दे वल्लों जोड़ के देखिया जा रहा है, जांच की जा रही है कि आखिर असल वजह की है जो गोलियां चलाईयां गईयां ने। हालांकि जेकर इस तो पहलां दी गल की जाए तो हरियाणा दे विच ही इनैलो दे एक आगू का शरेआम गोलियां मार के कतल कर दिता गया सी। नफे सिंह राठी जदों अपनी कार दे विच जा रहे सी तां उस समय भी शरेआम उन्हां दा गोलियां मार के कतल किया गया सी। ते हुण एक हिसार दे कुवारी पिंड दे जो सरपंच ने संजय दून उन्हां दा भी गोलियां मार के कतल किया गया बिल्कुल उसे तरीके दे नाल जदों ओह कार दे विच बैठ के एक पिंड दे ही विआह समागम च शामिल होण दे लई जा रहे सी। तां दस दईए कि हुण मौके ते पुलिस भी पहुंची है ते मामले दी जांच शुरू कर दित्ती गई है। कहा जा रहा कि पुरानी रंजिश नूं लै के हो सकदा है कि यह गोलियां चलाईयां गईयां होण। फिलहाल यह जांच दा विषय है पर लगातार पुलिस दे वल्लों हुण मामले दी जांच कीती जा रही है। आले दुआले दे लगे हुए जो CCTV कैमरे ने उन्हां नूं भी खंगालिया जा रहा है। देखिए मामला तो समझ में आएगा, अभी तक तो सिर्फ मुझे पता ही चला कि संजय सरपंच कुमारी को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। सही मायने में बहुत दुखद बात है कि रंजिश तो पहले से कुछ ना कुछ छोटी मोटी गांव में चली रही थी और एक केस में इसके खिलाफ 120 बी लगाने का भी प्रयास किया था, मगर क्योंकि इसका कोई कसूर नहीं था तो इसलिए पुलिस ने इसके खिलाफ 120 बी नहीं लगाई। शायद, मुझे नहीं पता, अभी तक मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर कोई ना कोई रंजिश का परिणाम तो है ही। ऐसे तो कोई ऐसा कांड नहीं होता, कोई ना कोई अपने मन में रंजिश लिए बैठा होगा। मुझे भी पता चला है, मैं आया हूँ यहाँ, देखते हैं पुलिस अपनी छानबीन करेगी और इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा मेरे संज्ञान में आया कि ये बार बार सिक्योरिटी की डिमांड कर रहा था, ये SP से भी मिला कई बार, मगर ना जाने किन कारणों से SP ने सिक्योरिटी नहीं दी। और मैं समझता हूँ कि इसकी पूरी जांच एक दो दिन में हो जाएगी, कौन लोग हैं, क्यों मारा है, किस लिए मारा है। सही मायने में तो ये दुखद बात तो है ही, बाकी जब तक कोई सही रिपोर्ट ना आ जाए इसके बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी। सर, जैसे पुरानी कोई इनके साथ पहले भी विवाद हुआ था कोई आपस में गांव में किसी गांव में? इसका तो नहीं, इसके बेटे के साथ हुआ था और पता नहीं, अभी तो सुबह तक पता लगेगा जी सारी बात, अभी कुछ नहीं कह सकते। नहीं, घायल तो नहीं है ना कोई, घायल कई बार सिक्योरिटी की मांग की। तो अब हरियाणा में अगर हम देखें क्राइम बढ़ भी रहा है, पिछले 4 दिनों में ही कुछ हत्याएं हुई हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जनप्रतिनिधियों को ही सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है बार बार मांगने के बावजूद भी? देखिए, मैं अब इस समय कुछ भी कहने में स्थिति में नहीं हूँ, जब तक मैं पूरी बात ना सुबह सुन पाऊँ, इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल ना कर पाऊँ, मैं लोगों से बात ना पूछ पाऊँ, मैं कुछ भी कहूँ वो जल्दबाजी होगा, इसलिए मैं अब इस समय कुछ भी नहीं कह सकता। बढ़ते अपराध को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं इस समय
कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैंने आपको कहा कि ये मेरा साथी था, मेरा सपोर्टर था, और जब इस किस्म की कोई बात हो जाती है तो इंसान के कुछ कहने की स्थिति में रहता नहीं। बाकी सुबह तक बात करेंगे। ठीक ठीक, बताइए सर क्या मामला था? पुलिस के पास सूचना आई थी कुंवारी गांव में संजय पे गोलियां चली है, तो उसके बाद मौके पे मैं भी CIA भी SHO भी सारी टीम गांव में भी गई थी। अब यहां पे सूचना थी तो उसकी गोली मार के हत्या कर दी, तो हमारी टीम SP साहब की तरफ से तीन टीमें बनाई गई है, दोनों CIA और जो भी कोशिश है सुबह ये कंप्लेंट मुँह करेंगे, जिस पे इन पे शक है। अभी तक कोई कंप्लेंट दी नहीं है, फिर भी जो भी सुराग मिलेगा अभी तफ्तीश इसकी जारी है। सर प्राथमिक जांच में क्या आया, कोई पुरानी रंजिश भी है इनकी, और अभी कुछ भी करना ठीक नहीं, तफ्तीश को करेगी, जैसे भी कोशिश है हम इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। पुलिस सुरक्षा की भी डिमांड की गई थी लेकिन दी नहीं गई, वो देखेंगे बहुत पहले का क्या मामला है। थैंक यू, धन्यवाद जी।